ये है लखपति किसान श्री चंद्रकांत जी भुतड़ा, ग्राम पानवाड़ी, तालुका आरवी, जिला वर्धा के रहने वाले। इनके पास की 4 एकड़ बागायती जमीन में वे पिछले कई सालों से रासायनिक खेती करते थे, जिसमें कपास, सोयाबीन और तुवर आदि फसल लेते थे। उन्हें रासायनिक खेती पद्धति में प्रति एकड़ 25,000 रुपए खर्चा आता था और 25,000 का ही उत्पादन होता था, जिसकी वजह से सालाना कुछ भी शेष नहीं बचता था और उत्पाद की भी शाश्वती नहीं थी। बदलते वातावरण के चलते फसल पर बीमारियां, इल्लियों का प्रकोप होने से फसल नष्ट हो जाती थी। दिनों दिन खर्चा बढ़ता चला गया, परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, जिससे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। एक दिन उनके गाँव में कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से टीम आरवी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें कम खर्चे की खेती, बिना लागत की विषमुक्त खेती, पीक बदलाव, ऐसी पद्धतियों के बारे में पद्मश्री सुभाष जी पालेकर की नैसर्गिक खेती पद्धति विस्तार से समझाई जा रही थी। उसी वक्त उन्होंने निश्चय किया कि वे भी इसी पद्धति से अब आगे खेती करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रकांत नंदलाल जी भुतड़ा। यह हमारी खेती है, 5 एकड़ है। पिछले 5 साल से सुभाष पालेकर नैसर्गिक खेती के पद्धति से कर रहा हूँ, जिसमें जीवामृत, दशपर्णी और निमास्त्र आदि का उपयोग करके मैं पीक ले रहा हूँ। उसमें केला, मौसम्बी, भाजीपाला है, अनाज गेहूँ है, तुअर है और कुछ कपास है। ये सभी में हम जीवामृत के इस द्वारा ले रहा हूँ। और ये जीवामृत के ड्रम वगैरह है, ये सिस्टम है, ये पूरा वेंचुरी वगैरह लगा के स्प्रिंकलर से ही पानी दे रहे हैं, ड्रिप से भी पानी दे रहे हैं। ये 1.5 एकड़ में मेरा केले का बगीचा है और इसका पिछले साल मुझे उत्पन्न 2 लाख रुपए हो चुका है और इस साल भी अब ये केले निकल रही है। जैसे जैसे गड़ आ रहा है वैसे निकल रहा है, तो अभी तक हमारा 1 लाख का बिक गया है और अभी और आना बाकी है, जो कि मार्च तक चलेगा। ये जो खेती है 1.5 एकड़ में केले की, इसका जो नेचुरल टेस्ट है ये रासायनिक केले के हिसाब से बहुत अच्छा है और ये ज़्यादा दिन तक टिकता भी है, ख़राब नहीं होता। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ जंगली जानवरों का और पक्षियों का बहुत जोर रहता है, जिससे नुकसान होने का डर रहता है। तो ये केली ऐसी फल है कि जिसमें जानवरों का डर कम रहता है, पक्षी का भी कम रहता है और जंगली जानवर भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इसलिए ये केली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक का उपयोग नहीं किया हुआ है और न कीटकनाशक का कोई उपयोग किया हुआ है। हम जो अभी जैसे कपास और सोयाबीन रासायनिक खत के हिसाब से जो ले रहे थे, लेकिन उसके बाद में हमने जब ये पद्मश्री सुभाष पालेकर के नैसर्गिक खेती पद्धति से चालू किया, उसमें प्रॉफिट भी बढ़ा है और हमारा खर्चा भी बहुत कम हुआ है। तब से लेकर आज तक वे लाखों का उत्पादन लेने लगे हैं, मानो उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। मैं पिछले 4 साल से बजाज फाउंडेशन के मार्फत खेती कर रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन से हर हफ्ते हमें जानकारी मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। हफ्ते में उनका विजिट रहता है और हमें मार्गदर्शन करके हमें बढ़ावा देते हैं और कोई हमको समस्या आती है तो उसका निवारण भी वो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पीक बदलाव खेती पद्धति का चयन किया, जिसके लिए केले के बेने कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के सहयोग से लिए, जिसमें अंतर पीक के रूप में चौली सब्जी लगाई। ये केले में मैंने अंतर पीक भी लिया हुआ है, जिसमें भाजीपाला वगैरह था, जिसके कारण हमारा जो खर्चा मेंटेन हुआ है वो भाजीपाले से हो गया। खाद, दवाई के लिए घन जीवामृत, जीवामृत, दशपर्णी अर्क, अग्नि अस्त्र, छाछ, इनका उपयोग करने से लाखों कमाने लगे। खर्चा कम होने से मुनाफे में बढ़ोतरी होती गई। ये पहले रासायनिक खेती करने में कम से कम 10 से 12 हजार खर्चा आता था एकरी, लेकिन ये जीवामृत वगैरह से जो नैसर्गिक पद्धति से जो खेती कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 5 से 7 हजार खर्चा आता है, जिसमें हमारी बचत भी होती है। मेरा ये प्रयास है कि मैं मेरा माल खुद बेचूं और उस हिसाब से मैं अपना केला, भाजीपाला वगैरह जो है वो नागपुर बेचता हूँ। केला मेरा 70 रुपये डजन जा रहा है और भाजीपाला हमारा 60 रुपये किलो के हिसाब से जा रहा है, और जो कुछ मैं गाँव में भी बेचता हूँ वहाँ पर भी मुझे अच्छे दाम मिलते हैं। जबकि केला मार्केट में 30 रुपये डजन है, हमारा केला 70 रुपये डजन जा रहा है, और जहाँ टमाटर अभी 20 रुपये किलो जा रहा है, हमारा 60 रुपये किलो जा रहा है। मेरा तो यह विचार है कि जैसे लोकल बिचौलियों को माल न बेचते हुए अपन खुद जहाँ चाहे वहाँ माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
हमारा माल जो है ग्राहकों को पसंद आ रहा है और उनका फ़ोन पर हमको ऑर्डर मिलते हैं और उस हिसाब से वो खुद ही आके माल लेके जाते हैं। इससे हमारा समय खर्च सभी बचत होती है। एक एकड़ में 200 क्विंटल केले की फसल आई है। इसे वे घर में ही पका रहे हैं, घर से ही खपत भी हो रही है। प्राकृतिक खेती करने से जमीन की और अपनी सेहत ही अच्छी रहती है। मुझे ये लगता है कि देश के किसानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति अपनानी चाहिए जो कि देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित है। प्राकृतिक तंत्र की खेती करने को अपना कर आप भी लखपति किसान बन सकते हैं। प्रस्तुत करता कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा। धन्यवाद।